जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। किसी भी प्राणी में कि इस पृथ्वी पे ही नहीं, किसी पे ही ग्रह पर यदि अपना जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सृष्टि की रचना ईश्वर ने की क्यों? ये जन्म मरण का खेल ईश्वर ने क्यों रचा? सृष्टि की जो रचना है, जो आरंभ है, वो सभी धर्म शून्य से तो मानते हैं। सबके विचार अनेक हैं, अलग अलग हैं, परंतु इस बात को सभी धर्म मानते हैं कि कोई शक्ति तो है, कोई निहित है जो पावर सब कुछ चला रही है, वो कुछ तो है। आखिर वो है क्या? वो शून्य क्या है? वो पॉइंट क्या क्या है जिस सृष्टि से सब कुछ हमें प्राप्त होता है? अनेक योनियां हैं, अनेक जीव जंतु हैं, आखिर वो उन सब की उत्पत्ति कैसे हुई, कहां से हुई और क्यों हुई, उसका उद्देश्य क्या था? इस सृष्टि रचने वाले ने यदि सृष्टि रचाई है तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य भी रचा होगा, क्योंकि हर कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है। तो इस सृष्टि को रचने के पीछे भी एक उद्देश्य है। इस सृष्टि का निर्माण होने के पहले भी किसी और भी चीज का निर्माण हुआ होगा। जिन्होंने हमारी सृष्टि का निर्माण किया वो कहां से आए? तो ये हमें ज्ञान ऋक से मिलता है कि आखिर सृष्टि की रचना किस प्रकार से हुई। तो अरे, ये सृष्टि की जो रचना है वे एक शून्य से होती है, एक पॉइंट से होती है, जो ध्यान के द्वारा प्राप्त होता है। वो उस पॉइंट से ऊर्जा जो निकलती है, उस ऊर्जा आप समझिएगा, मैं जो एक तराजू हूं, उस तराजू को आज नए प्रकार के आ गए हैं, जो बंदर का आपने देखा हो कि बंदर और बिल्ली की कहानी है, उसमें तराजू रहता है। तो तराजू जो होता है, तराजू वही सृष्टि की रचना जो वेद में बताई गई है, ऋग में, वो ऋग में एक तराजू के द्वारा ही बताई गई वही सृष्टि की रचना, और उसी के हम पार्ट हैं, उसी के ही देवता पार्ट हैं। तो इस सृष्टि की रचना में सबसे पहले जब शून्य आता है, और शून्य के नीचे जो चांद है, वो तराजू का, जिसमें तराजू का सबसे ऊपर जैसे हम पकड़ते हैं, यहाँ पॉइंट होता है वो शून्य, और जो ऊपर चांद रहता है जिसके द्वारा हमारी तराजू सही होती है, वही शून्य का, चांद का, ओम का बेस है, जिस पर सब कुछ सदा हुआ है, शून्य में सब कुछ सदा हुआ है। और उससे जो तराजू के फिर जो इस प्रकार से भाग निकलते हैं, वो एक शिव और एक शक्ति, और बीच का जो हिस्सा है, जो हमेशा आपके कर्मों के अनुसार इधर उधर होता है, वो विष्णु, जिसको हम पालनकर्ता कहते हैं, और इसी कारण ही उसे पालनकर्ता कहा जाता है। इस तरफ शिव, इस तरफ शक्ति। शिव के बगल में कौन बैठे हैं? शिव के बगल में बैठे हैं भैरव, और यहां पर इस साइड शक्ति के बगल में कौन बैठे? शक्ति के बगल में इंद्र, फिर यहां पर नाग, फिर यहां पर यक्ष। अब तराजू का ये जो आपको मैंने बताया कि देखिएगा उंगली कहां पे आ रही है, शून्य, जो आप तराजू का हिस्सा ये पकड़े, देन ये आप तराजू पकड़ते हैं,
इस तराजू के अंदर यहीं पर ही आपके निहित है शिव, यहीं आपके निहित है शक्ति, और यहीं आपके निहित है विष्णु। फिर एक तरफ आपके आते हैं नाग और भैरव, और एक तरफ आते हैं शक्ति की तरफ पे आपके इंद्र और यक्ष। अब यहां से ही अब सृष्टि की जो हम कहते हैं शून्य, ये उनके ऊपर देवताओं के ऊपर का, सृष्टि के ऊपर का जो वेदों के द्वारा हमें प्राप्त होता है, अब उस तराजू का ये हिस्सा जो आया, इससे फिर जो आपने देखा हो एक एस जिसमें तराजू के तीन रस्सियों के द्वारा पलरा टंगता है, वो रहा अनंत, वो अनंत का निशान बन रहता है उसमें। उस अनंत से जो तीन तराजू की डोरियां लटकती वो है हमारी अग्नि पंच तत्व, जो हम कहते हैं पंच तत्व, तो उसी को ही कहा जाता है अग्नि वायु जल पृथ्वी और शून्य, शून्य अनंत, डबल शून्य अनंत हो गया। अब ये पना जो पलरा है, ये तराजू आ गई आपकी, अब पलरा है ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में आपका तराजू में इसमें जन्म होता है, ये देवताओं का आपको बताया। बीच में विष्णु है तराजू के, जो यहां वहां हो रहा है, जो पलरा भरा भारी हो रहा है कम हो रहा है तो वो अपना यहां बैलेंस को बताता रहता है, ये भारी हुआ तो यहां झुका, ये भारी हुआ तो यहां झुका। और उससे जब नीचे आते हैं तो फिर आते जाते हैं हम विष्णु के बाद कृष्ण पे, राम पर, उनके जन्मों पे, ये नीचे हम आ रहे हैं विष्णु के जो अलग अलग रूप होते गए वो हम यहाँ पे आके अपने ले। अब हम चाहते क्या हैं, ऊपर की ओर जाना, उस शून्य पर जाना, उस शक्ति पर जाना, उस शिव पर जाना, उस विष्णु पर जाना, नाग पर जाना, भैरव पर जाना, इंद्र पर जाना, यक्ष पर जाना। वेदों में यही प्रमुख देवता बताए गए हैं, उनमें यही विधान है, उसमें यही अग्नि वायु जो मैंने तीन बताए कि अनंत के बाद जो आते हैं अग्नि वायु जल, उन पर ही है सदा, और फिर ये पृथ्वी पे हमारा जन्म हो रहा है। हम जन्म होने के बाद क्या करते हैं, सबसे बड़ी मूर्खता हमारी यहीं से चालू होती है, जन्म से ही हमें, जन्म से ये पलरे में जन्म हुआ, अपने पास आपके पास अग्नि वायु जल है, आप यहां से ही शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप शक्ति तरफ से प्राप्त करें चाहे आप शिव तरफ से प्राप्त करें, पर हमारा जन्म होता है विष्णु यहां से, और हम यहीं पर ही चढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम विष्णु के द्वारा चढ़े, हम राम के द्वारा चढ़े, हम कृष्ण के द्वारा चढ़े, तो विष्णु यहां बैठे हैं जहां पे आप कैसे वो शक्ति बगल में बैठे हैं, तो डायरेक्ट तो आप पहुंच नहीं सकते, यहां आप हैं तो आपको बाया किसी वे ही जाना पड़ेगा, यहां से नीचे हैं आप, तो आप जहां से आप नीचे आते गए हैं वहीं से हम आप चढ़ने की कोशिश ऊपर की ओर करते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कमी है कि हम यहां से चढ़ने के लिए आवश्यकता होती है शून्य की, आर्थिक इसका अर्थ है संसार छोड़ने की, घर बार त्यागने की, एकांत स्थान प्राप्त करने की, यदि आपको यहां से चढ़ते जाना है। और हमारे सभी व्यक्ति यहीं से ही चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो परिवार के साथ संभव नहीं, समाज के साथ रह के संभव नहीं, यहां से अगर आपको जाना है शिव में, शक्ति में, ब्रह्म में, तो आपको एकांत प्राप्त करना पड़ेगा, जंगल प्राप्त करना पड़ेगा, शून्य पर जाना पड़ेगा, ये शून्य वाले पास। और यदि आपको जो सृष्टि ने इतनी सारी चीजें दी हैं जिनका हम उपभोग करते हुए ज्ञान की प्राप्ति करें और शून्य की प्राप्ति करें, वही हमें ऋग समझाते हैं, उसी वही चीज हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, उपभोग करते हुए
ईश्वर की प्राप्ति ही ऋग्वेद है। जब ईश्वर ने सब चीजों का निर्माण किया है, सिर्फ मनुष्य का तो निर्माण किया नहीं, लाइफ साइकिल बनाई, ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा, ये इसको, ऐसे जीवन चलेगा। विज्ञान क्या है? ऋग की उपज, ऋग में सब कुछ निहित है, उसमें मैथमेटिक्स भी है, उसमें साइंस भी है, उसमें बायोलॉजी भी है, आप ले क्या सकते हैं, उसमें ज्योतिष भी है, उसमें अंक शास्त्र भी है, आप उससे क्या ज्ञात करना, ज्ञान लेना चाहते हैं आप उससे वो ले सकते हैं। उसमें जो तराजू के जिस बेस है वो क्या है, शून्य है, उस बेस से ही सब कुछ निकल के आया है, और हम तराजू के पलरे में ही हमारा जन्म होता है। हम चढ़ने की कोशिश का अगर करेंगे यहां से, वो संभव नहीं हो पाएगा, उसके लिए आपको एकांत में जाना पड़ेगा। और यदि आप ये प्राप्त करना चाह रहे हैं तो मेरा इतनी बात कहने का सुनने का कोई भी आपके कार्य का नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप एकांती और जाइए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप अलग जाइए, शांति आपको जहां शोर शराबा नहीं हो उस समय के लिए आपको एकांत करना। जब आप योग कर रहे हैं, जब आप पाठ जैसे पढ़ाई कही जाती है, जब आप बच्चे को पढ़ने के लिए कहते हैं पढ़ाई करो, तो आप क्यों मना करते हैं टीवी देखते हुए, नहीं बेटा यहां पे शोर आ रहा है यहां मत पढ़ो। यही ना कि आपका मन जो आप कार्य कर रहे हैं उसमें लगा। यदि आप ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, कहीं पे भी किसी भी पेज का कोई भी श्लोक, जितने भी आप हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, अनेक समय के हैं, पर सबसे पुराना तो हमारे ऋग्वेद ही है ना, ऋग्वेद के द्वारा ही फिर हमारे अन्य वेदों की रचना हुई है, उसके ही कुछ चीजों अंश अलग अलग भागों में हम आपको समझाने के लिए ईश्वर ने जब ऋग की उत्पत्ति की तो उसका उद्देश्य यही था, मानव सेवा, मानव ज्ञान। लेकिन कुछ समय पश्चात शासन बदलते गए, हमारी मनोभावना बदलती गई, हम इतने लालची होते गए कि लोगों ने हमें दिखाया और हमारा ज्ञान हम ही से ले गए और हम मुस्कुराते रहे।